जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य ज्ञान सुन रहे हैं। आप अपने जीवन में, अपने इस जीवन की बगिया में कौन से कर्म जमा कर रहे हैं? अच्छे कर्म, बुरे कर्म। मगर याद रखो कि जो आप जमा कर रहे हो वही आपको आखिरी समय काम आएगा, क्योंकि दुनिया का राजा यानी परम पिता परमात्मा आपको चारों ओर से देख रहा है। इस बात को भूलो मत, यही सत्य की खोज है। इसी संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, शायद आपके समझ में आ जाए और आपका जिंदगी परिवर्तन हो सकती है। यदि आप कष्ट में हैं, यदि आपको कष्ट की प्राप्ति होती हो, यदि आपके काम होते होते रुक जाते हो, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, यदि आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू हो जाता है, यदि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, यदि आपका घर परिवार आपसे छूट जाता है, यदि आपकी धर्म पत्नी आपको छोड़ करके चली जाती है, या फिर किसी स्त्री का पति मर जाता हो, या किसी के पास जिंदगी भर मकान नहीं बनता है, या फिर हर कदम पे मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती हो, तो ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस जीवन की बगिया में आप क्या बोकर के जा रहे हो, अपने इसमें क्या आपने जमा किया, बैंक बैलेंस जिसका ब्याज आपको मिलेगा अगले जन्म में, और कुछ इस जन्म में प्राप्त होता है। क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला राजा परम पिता परमात्मा, उसके द्वारा आपके शरीर के अंदर आत्मा नाम की चिप डाल दी गई है, सिम डाल दी गई है। हम उस परमात्मा की कंपनी से एक्टिवेट हैं, तो उनको हर क्षण की खबर है कि ये चिप यानी ये सिम जो इस शरीर के अंदर आत्मा नाम की डली हुई है, यह क्या कर रही है। इसीलिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, शायद उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी जिंदगी में कितना परिवर्तन करना है, अन्यथा आपकी जिंदगी कीड़े मकोड़े से ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो एक दिन एक राजा ने अपने दरबार में तीन मंत्रियों को बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर के अपने बगीचे में जाए और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करना है आपको। अब तीनों अलग अलग बाग में प्रवेश कर गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे पसंद के, अच्छे से अच्छे किस्म के फल जमा किए जाएं। उसने बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से भरा थैला भर लिया। फिर दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का परीक्षण तो नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने के चक्कर में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर होगी, वो खोल करके देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है, क्योंकि राजा के पास तो बहुत काम होता है। तो उसने समय बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी नीचे घास फूस पत्ते भर लिए और ऊपर दो चार सेव फल भर के थैले को रख दिया और समय को बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया कि अपने अपने थैले लेकर के आ जाओ। तीनों मंत्री राजा के दरबार में पहुंचे थैले लेकर के और उनसे बोला कि अपना अपना थैला अपने पास रख लो और बिना थैले को खोल करके देखे या फल के हाथ लगाए
आदेश दे दिया, राजा ने आदेश दे दिया तीनों मंत्रियों को और उनके सैनिकों को कि तीनों को उनके थैलों के साथ में किसी दूर स्थान पर एक जेल में 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। मंत्री, तीनों मंत्री समझ नहीं पाए कि हमने तो सेफल लेकर के आए, राजा ने खोल के भी नहीं देखा कि सेफल कैसे आए हैं, और तीनों मंत्रियों को जेल की यात्रा दे दी, वो भी 3 महीने के लिए। अब तीनों को अलग अलग बैरक में रखा गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय उन थैले के अंदर जो फल थे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे अपने राजा के लिए, वो तो मजे से वो फल को खाता रहा और 3 महीने उसने अच्छे से गुजार दिए, क्योंकि पूरा थैला उसने अच्छे फल से भरा था, तो चले भी ज्यादा दिन और उसने अच्छा खाना खाया। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा फल, कुछ कच्चे फल, कुछ सड़े गले फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तक तो ताजा फल तो खाता रहा, फिर उसे सड़े गले फल खाना पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ उठाना पड़ी, परंतु मरा नहीं, कष्ट बहुत भोगना पड़ा उसे। और तीसरा मंत्री था जिसने नीचे चारा भूसा भरा था और ऊपर ऊपर कुछ फल भरे थे, वो तीसरा मंत्री ने सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे और जो ऊपर जो कुछ फल जमा किए थे उसमें से वो फल तो उसने कुछ दिन खा लिए, बाकी समय उसे भूखा रहना पड़ा और वो मर गया। अब आप अपने आप के से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप क्या जमा कर रहे हो। उस परमपिता के सामने जाओगे तो क्या जवाब दोगे? आप इस जीवन की बगिया से क्या ले रहे हो? अच्छे कर्म ले रहे हो या बुरे कर्म करके बुरे कर्म का थैला भर रहे हो? मगर याद रखो, आप जो जमा करोगे वही आपको मिलेगा खाने पीने का, क्योंकि दुनिया का राजा आपको देख रहा है। तो इस कहानी का मर्म यह है, मतलब इस कहानी को समझाने का अर्थ यह रहे कि आप दूसरों के लिए भी वो कर्म करें जो अपनों को अपने लिए पसंद होता है। पहला मर्म तो इसका यह हो गया, मतलब ज्ञान की बात यह है कि मनुष्य को वह कर्म करना चाहिए जो उसको अपने को स्वयं को अच्छा लगता है, वही कर्म दूसरों के लिए करें। और अगली बात यह होती है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है, यानी हमने जो थैला भरा यदि उसके अंदर हमने घास फूस भर लिया तो हमें खाने को घास फूस ही मिलेगा, अच्छी चीज नहीं मिलेगी। और यदि हमने सड़े गले फल भरे हैं थैले में तो हमें सड़ा गला फल खाने को ही मिलेगा और बीमार अवश्य पड़ेंगे। तो आज के जमाने में जो मनुष्य बीमार ज्यादा रहते हैं उसके पीछे का कारण यही है कि उन मनुष्यों ने पिछले जन्म में सड़े गले कर्म करके आए हैं। और जो जल्दी मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, उनने उसके अंदर घास फूस ही भरी हुई है, इसलिए वो जल्दी मर जाते हैं और कष्ट झेलना पड़ता है, तड़प तड़प करके मरते हैं। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी से शिक्षा प्राप्त करें कि मनुष्य अपने राजा के लिए क्या चीज लेकर के जाता है, अपने स्वयं के लिए भी वही चीज आपको प्राप्त होगी। यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करोगे बुरे कर्म की प्राप्ति होगी, यह संसार का नियम है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोशिश की जाए कि अच्छे कर्म करें, परोपकार का काम करें, अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान अवश्य करें, किसी को रोजी रोटी अवश्य प्रदान करें, कोई भूखा हो तो उसे रोटी खरीद करके दे दें,
क्योंकि आप पैसे दोगे तो उससे वो सट्टा खेल सकता है, शराब पी सकता है और अपने घर जाकर के अपने बीवी बच्चों को मार सकता है, तो उसकी हाय बद्दुआ आपको लगेगी। इसलिए नगद नोट मत दीजिए, किसी को पैसे के रूप में दान मत दीजिए। यदि वो भूखा है तो उसे उसी वक्त भरपेट भोजन करा दीजिए। बस ये कर्म ही आपको लेकर के जाना है। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस कहानी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी सोच को बदलो, धनात्मक सोच लेकर के आओ, ताकि आपके आसपास का वातावरण भी धनात्मक रह सकते, पॉजिटिव थिंकिंग रह सके, जिसकी वजह से आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।